सिंपल कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कटिंग करने का एकदम आसान और सरल तरीका। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। कॉटन कुर्ती स्लीवलेस कुर्ती। पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और टोटल लंबाई हमें चाहिए 38 तैयार चाहिए, तो ले लेंगे हम 40 इंच यानी 1 इंच लंबा ले लेंगे। तो ये मैंने इसको लिया है, हम देख सकते हैं ये है 40 इंच की, यानी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं लंबाई के अंदर। और ये मेजरमेंट है इसका 10 इंच का और हमें तैयार रखना है इसको 9.5 इंच का, तो पूरा हो जाएगा लगभग सिलाई का छोड़ करके। तो बस ये जो 1 मीटर की जो फोल्ड है ना वो बिल्कुल बराबर है, 1 मीटर के अंदर लगभग 40 जो है ना इंच वो कपड़ा आता है। तो आप 1 मीटर में जो कुर्ती की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। लंबाई कम हो तो बाजू भी निकाल सकते हैं, लंबाई ज्यादा हो तो आप 1/4 इंच कपड़ा और ले सकते हो। 1/4 मीटर यानी 1/4 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर और ले सकते हो, उससे आपकी बाजू बन जाएगी। तो हम इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमें लेने हैं 8 इंच के, तो ये मैंने 8 इंच के शोल्डर ले लिए हैं। नेक की चौड़ाई यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच की और चेस्ट की मार्किंग करेंगे हम 8.5 इंच पे, कमर की मार्किंग करेंगे हम 14 इंच पे और हिप की मार्किंग करेंगे हम 22 इंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा दिखाई दे रहा है अच्छा से, ये हो गया यहाँ पे 22 इंच। तो ये 3 मार्किंग होती है, चेस्ट मेजरमेंट, कमर मेजरमेंट और हिप मेजरमेंट। तो नेक बनाएंगे हम पीछे का 3 इंच का, आगे का 5 इंच का। और नॉर्मली गोल नेक बना रहे हैं तो इस तरह से हम गोलाई देते हुए इस नेक को बना लेंगे। ये हो गया आगे का, ये हो गया पीछे का, नेक हो गया। अब यहां से आर्म होल लेंगे हम 7.5 इंच पे, ऊपर से 8 इंच, यहां से 7.5। आर्म होल की टोटल लेंथ लेंगे हम 7.5 इंच की। और फिर इस तरह से गोलाई लगा देंगे, ये हो गई आपकी आर्म होल की गोलाई। आगे के लिए इसको थोड़ा सा हल्का सा शेप लगा देंगे, आगे से ये वाली कटिंग होगी, पीछे से 1/2 इंच के बाद की कटिंग होगी। अब चलते हैं चेस्ट मेजरमेंट के लिए, 9.5 इंच पे पॉइंट लगाएंगे। ये हो गया 9.5 इंच का पॉइंट चेस्ट और फुल ब्रेस्ट का। और यहां पे लेंगे हम 1/2 इंच कम 9 इंच पे कमर में, और यहां पे फिर लेंगे हम 9.5 इंच पे। ये 3 इसके मेजरमेंट हैं और तीनों को हम कुछ इस तरह से मिला देंगे। ये लीजिए, तो यहां से थोड़ा सा कम होता है, बाकी बिल्कुल बराबर होता है। नीचे तक आपका जितना भी है वो सारा रहेगा, ये जो एक्स्ट्रा है ये फोल्ड में हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी कुर्ती की सिंपल कटिंग। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ऊपर में। सबसे पहले बेक नेक कटिंग कर लेंगे, इसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। के बाद यहां से हम इसको खोल लेंगे और थोड़ा थोड़ा कमर में जो कमर का भाग है वहां पे हम इस तरह से इसकी हल्की सी शेप लगा देंगे। ये लीजिए, यहाँ पे आपको चौड़ाई फुल रखनी है, यहाँ पे भी आपको फुल रखनी है, 2-2 इंची छोड़ करके फिर बीच में से थोड़ा सा शेप निकालना है और यहाँ पे आपको एक कट लगा देना है।
चारों पार्ट्स पे आपके ये कट बराबर में दिखने चाहिए। नीचे से जो पार्ट्स ऑफ है उसको हम ओपन कर लेते हैं, पूरा नीचे तक इसको ओपन कर लेते हैं तो ये चौक साइड है फोल्ड हो जाएगी नीचे की। और यहाँ पे हमारी जो कमर का पॉइंट्स है इसको भी हम ध्यान रखेंगे। और ये हमारा मार्जिन का साइड। अब हम इसमें से एक पल्ला निकाल देते हैं, बेक वाला एक पल्ला रखेंगे। इसमें हम आगे का नेक कटिंग कर लेंगे इस तरह से 2 इंच और बढ़ाते हुए, ये हो जाएगा आगे का नेक। और आगे की शोल्डर के लिए भी आपको इस तरह से देखिए हल्का सा शेप लगा देना है ये वाला। तो ये हमारे आगे के मुड्ढे हो गए हैं, बाकी सारा मेजरमेंट सेम है। और इसकी आप सिलाई कर लीजिए, सबसे पहले नेक तैयार करें, शोल्डर ज्वाइंट करें, फिर ये सिलाई निकालें मार्जिन की और फिर चौक साइड में इसको फोल्ड करके नीचे से जितनी आपको फोल्डिंग करनी है फोल्डिंग कर लें, आपकी कुर्ती जो है वो तैयार हो जाएगी। बाजू के अंदर आप पाइपिंग लगा सकते हैं।